आज वो जो डिस्कस करने वाले हैं, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम पढ़ने वाले हैं। आपने क्या क्या पढ़ा था? हाल से पढ़ लिया, रोवन पढ़ लिया, टेलर पढ़ लिया, और क्या पढ़ा? और अब क्या पढ़ने वाले हो? मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। देखो, ये जो डिफरेंशियल इसने बताया, इसने ना टेलर को थोड़ा एक्सपेंड कर दिया। लाइक टेलर ने क्या बताया? दो रेट बताए थे, एक लोअर रेट और एक हायर रेट। इसने बताया है 3 रेट्स के बारे में डिस्कस किया है। तो मेरिक ने क्या बताया आपको? लेवल ऑफ इफिशियंसी की बात करी है। पहले हमें उस बंदे की जो लेबर, उसकी इफिशियंसी चेक करो, कितना इफिशियंसी से वो काम करता है। क्या किया? अप टू 83% ऑर्डिनरी पीस रेट। अगर उसकी इफिशियंसी 83% तक है तो उसे जो नॉर्मल वेजेस है वो देना ही पड़ेगा। कॉमन सी बात समझ में आया? अगर उसकी इफिशियंसी 83% से लेकर 100% के बीच में है तो उसे 110% ऑर्डिनरी पीस रेट दिया जाएगा, और अगर 100% से ज़्यादा है तो 120% पीस रेट दिया जाएगा। ये इसलिए किया गया, उसने बताया हम, देखो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या कहता है? ये बताता है कि आपको लेबर को इंक्रीज करना है काम को ज़्यादा करने के लिए, समझ में आया? अगर आपका जो लेबर मोटिवेट नहीं होगा, अगर उसे हम ज़्यादा पैसे नहीं देंगे तो अगली बार नेक्स्ट काम कम धीरे काम करेगा। तो उन्होंने बताया अगर आप वो 83% तक काम कर रहा है तो नॉर्मल देते रहो, लेकिन अगर उसकी इफिशियंसी 83 से लेकर 100% के बीच में है 10% एक्स्ट्रा दे दो, और अगर 100% ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है, वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, बहुत जल्दी आउटपुट बना के दे रहा है, तो 120% दे दो, 20% एक्स्ट्रा पैसा देना उसे बोनस के रूप में देना। अब इससे ध्यान देना, अब यहाँ पर इफिशियंसी की बात आई है, इफिशियंसी फाइंड कैसे करना है उसके पीछे भी ध्यान देना। इफिशियंसी परसेंटेज इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। किसी भी लेबर की अगर एफिशिएंसी चेक करनी है तो एक्चुअल आउटपुट कितना उसने काम किया, स्टैंडर्ड कितना उसे काम मिला था, कितना काम स्टैंडर्ड बन सकता है, और इनटू में 100 आ जाएगा। तो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। पहले इसे कॉपी करो, फिर एग्जांपल के रूप समझते हैं। ठीक है, हम आपको मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, एक छोटा सा क्या लिखा है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है 150 यूनिट पर डे फॉर 8 आवर्स। 8 घंटों में आप एक दिन में काम करते हैं, और आपको स्टैंडर्ड आउटपुट कितना दे रखा है? 150 यूनिट्स दे रखा है। ठीक है, 8 घंटे काम होता है और 150 यूनिट प्रोडक्शन होना चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है। पीस रेट दे रखा है 0.20 पर यूनिट, 20 पैसे आपको एक पीस का मिलता है। कहता है ए ने बनाया 100 यूनिट, बी ने बनाया 135 यूनिट, और सी ने बनाया 180 यूनिट। अब सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा, इसकी इफिशियंसी चेक करते हैं। देखिए, अब ध्यान देना, ए की इफिशियंसी चेक करने के लिए पहले ए की चेक करेंगे इफिशियंसी, फिर बी की भी और सी की भी। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको? एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल कितना है इसका? 100 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड 150 मल्टीप्लाई 100, ये आपका आ जाएगा, सॉल्व करो कैलकुलेटर से। देखो, देखिए 1000 डिवाइड बाय 15, आपके पास इसकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 16.67%। बी वाले की एफिशिएंसी चेक करते हैं, 135 डिवाइड बाय 150 इंटू 100, तो 135 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 150, इसकी एफिशिएंसी 90% है। और सी वाले का चेक करो, 180 अपॉन में 150 इंटू में 100, 180 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 150, ये 120% आ गया। अब आप चेक करना, देखो लेवल ऑफ एफिशिएंसी चेक करना, क्या क्वेश्चन फील करो, क्वेश्चन क्या क्या रहा है। आपने इसकी इफिशियंसी चेक करी, इस बंदे की इफिशियंसी कितनी कम है? ए वाले की 66.67, कॉमन सी बात है, कन्फर्म हो गया कि इसकी जो इफिशियंसी है 83% से कम है, समझाया? बी का कितना आ रहा है? 90% आ रहा है, मतलब बी की जो इफिशियंसी है 83% से ज़्यादा है बट 100% से कम है। सी वाले की 120% इफिशियंसी है, मतलब 100% से भी ज़्यादा है, समझाया? ए बहुत स्लो काम करता है, बी का ठीक एवरेज है, ज़्यादा ना स्लो ना ज़्यादा फास्ट, सी का काफ़ी अच्छा काम करता है। अब कहता है क्वेश्चन कि वो कितना पैसा मिलेगा, पीस रेट ध्यान डिस्कस करते हैं, पहले से लिख लो फिर करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं, देखो ए का है
ए ने कितना यूनिट बनाया, 100 यूनिट। आपने चेक किया ए की जो एफिशिएंसी है 83% से कम है, और जब 83% कम होगा तो क्या मिलेगा उसे, ऑर्डिनरी पीस रेट मिलेगा। कितना पीस रेट है आपके पास, 0.20। कोई डाउट यहाँ तक, इसे मिल जाएगा 20 रुपये। अब देखिए बी का चेक करते हैं, 135 यूनिट बनाता है बी, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी है 83% ज़्यादा है और 100% से कम है, 90% है। तो बी के केस में क्या होगा, 0.20 मल्टीप्लाई कितना परसेंट मिलेगा इसे, 110% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट। चेक कर लो, समझ में आया। अब कितना आ जाएगा, 135 मल्टीप्लाई 0.20 मल्टीप्लाई 110% 29.7। देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान देना, वो पहले 20 पैसे का 10% एक्स्ट्रा निकालेंगे, फिर ऐड करेंगे, तो बहुत टाइम बेकार है। आपको डाइट करना है क्या, क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई 110%। समझ में आया क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 110% से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, उसमें 10% ऐड हो जाता है। तो आपको ज़्यादा स्टेप्स नहीं करने हैं, इजी वे में क्वेश्चन कंप्लीट करना है। सी का कितना है, 180 मल्टीप्लाई, देखो सी का चेक करते हैं, 180 यूनिट 20 पैसे के हिसाब से, लेकिन कितना मिलेगा इसे, 120%। क्यों, इस बंदे की जो एफिशिएंसी थी 100% से भी ज़्यादा है। चेक करो कितना आएगा, 43.2। अब चेक करना, इस बंदे ने काफ़ी कम काम किया, ए ने 100 यूनिट बनाया, देखो ए ने बनाया 100 यूनिट कितना पैसा घर लेके जा रहे हैं, 20 रुपये। बी ने बनाया 135 यूनिट कितना पैसा घर लेके जा रहे हैं, 39.7। और सी ने ज़्यादा मेहनत करी, 180 बना के दे रहा है, तो कितना पैसा लेकर चला गया, 43.2। तो ये मैट्रिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम ने बताया है कि हमें उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से पैसा देना है। जो जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, ज़्यादा मेहनत कर रहा है, एफर्ट लगा रहा है, उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जिसकी एफिशिएंसी कम है उसे कम पैसा मिलेगा। तो मतलब 83 से कम वाले को तो 100% ही मिलना है। कोई क्लियर डाउट, कोई डाउट इसके अंदर, कन्फर्म हो गया। अब इसे कॉपी करो, फिर अगला चलते हैं। देखिए अब जो हमें डिस्कस करना है, क्या पढ़ने वाले हो, गैंट टास्क एंड बोनस प्लान। क्या पढ़ने वाले हैं, गैंट टास्क एंड बोनस प्लान। देखो इन्होंने हमें क्या बताया, डे वेजेस ऑन टाइम बेसिस आर गारंटेड टू ऑल वर्कर। देखो ये कहता है कि आपको ना एक गारंटी देनी चाहिए वर्कर्स को, ठीक है। अगर जो वर्कर कम इफिशेंसी से काम करे, ज़्यादा करे, लेकिन एक मिनिमम तो वे देना चाहिए, ताकि उसको कम से कम तो जितना रहे कि मन में सेटिस्फेक्शन कि हाँ इतना तो मुझे मिलना ही वाला है। समझ में, जैसे आपका प्रोजेक्ट है, प्रैक्टिकल फाइल आपने जमा करी, तो कम से कम मैडम लोग को सोच के चलना चाहिए कि कम से कम आपको कुछ नहीं तो 20 में से 10 नंबर देने ही देने हैं मिनिमम। 10 से ऊपर तब देना जो आपकी आपका काम बहुत अच्छा होगा, आपकी फाइल अच्छी होगी, बेटर प्रेजेंटेशन होगा, तब दिया जाएगा, लेकिन 10 से कम तो देना ही नहीं है। समझ में, तो वही बात है यहाँ पे भी कि इतना तो हमें देना ही देना है कि ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके, और मिनिमम तो मिलना ही चाहिए, और उससे ऊपर एक्स्ट्रा तब दो जब अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है। कोई डाउट यहाँ तक, और ये भी रूल सही है। तो इसने क्या बताया आपको, गैंट टास्क एंड बोनस प्लान वाले ने बताया, डे वेजेस ऑन टाइम बेसिस आर गारंटेड टू ऑल वर्कर्स। जितने भी वर्कर्स हैं उन्हें मिनिमम की गारंटी दी जाती है टाइम वेजेस की। अब ध्यान देना, बिलो स्टैंडर्ड, अगर आपका काम स्टैंडर्ड से कम है तो पेमेंट एट टाइम रेट। अगर आपने स्टैंडर्ड से कम काम किया है तो आपको टाइम रेट के हिसाब से पैसा मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने स्टैंडर्ड तक पहुंचा दिया तो टाइम रेट प्लस 20% बोनस। अब आप सोचना, अगर सोचो अगर आपने स्टैंडर्ड से एक यूनिट भी कम बनाई ना, क्या मिलेगा आपको, केवल टाइम रेट। और एक पूरा स्टैंडर्ड तक पहुंचा दिया तो क्या मिलेगा, टाइम रेट मिलने वाला है प्लस 20% बोनस ही मिलने वाला है। इसके बाद देखना, अगर अबव स्टैंडर्ड, अगर आपने स्टैंडर्ड ज़्यादा काम किया है तो क्या मिलने वाला है, हाई पीस रेट मिलने वाला है। जो मैक्सिमम पीस रेट है, जिसका रेट ज़्यादा होगा वो दिया जाएगा। तो पहले से लिख लीजिए, फिर एक एग्जांपल करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मैंने एग्जांपल दिया है, स्टैंडर्ड आउटपुट लिखा हमने 10 यूनिट्स पर आवर। एक घंटे में आप कितना यूनिट बनाते हो, 10 यूनिट बनाते हो। टाइम रेट क्या दे रखा आपके पास, ₹20 पर आवर, मतलब आपको 20 रुपये मिलेगा एक घंटे का काम करने का। वन डे में आप 8 घंटे काम करते हैं,
एक्स ने बनाया 75 यूनिट, वाई ने बनाया 80 यूनिट्स और जेड ने बनाया 85 यूनिट्स। आपको इन तीनों की फिर का प्रोडक्शन दे रखा है, एक्चुअल आउटपुट दे रखा है। फिर कहता है हाई पीस रेट 3.50, क्योंकि डाउट यहाँ तक ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब देखिए स्टार्ट करते हैं, समझना क्वेश्चन बहुत अच्छे से। देखो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड आउटपुट बताओ कितना होगा। स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट समझना, 10 यूनिट बनाते हो एक घंटे में, आप 10 यूनिट बनाते हो एक घंटे में, काम कितने घंटे चल रहा है, 8 घंटे, कितना हो जाएगा 10 × 8 = 80 यूनिट। कोई डाउट यहाँ तक? आपने क्या निकाल लिया, सबसे पहले आपने क्या चेक किया कि भैया 8 घंटे काम करने के बाद कितना प्रोडक्शन हो सकता होता है, स्टैंडर्ड है ये। एक घंटे में 10 बनाते हो तो 8 घंटे में 80 बनेगा, कोई डाउट? अब चेक करना, अब देखो ए ने कितना काम किया, ए ने स्टैंडर्ड से कम बनाया कि ज़्यादा बनाया, चेक करो, सॉरी एक्स वाई जेड लिया, मैंने एग्जांपल चेंज कर दिया, एक्स वाई जेड तो कितना हुआ यहाँ पर ही 75 स्टैंडर्ड से कम, वाई का चेक करो बिल्कुल स्टैंडर्ड पे है, जेड का चेक करो स्टैंडर्ड से ज़्यादा है। आपने क्या फील किया क्वेश्चन के अंदर कि सर एक्स ने तो स्टैंडर्ड से कम काम करता है, वाई वाला बिल्कुल स्टैंडर्ड पे काम करता है और जेड वाला ज़्यादा काम करता है, लेकिन देखो थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन है, 5 यूनिट का मार्जिन है। अब देखना सिर्फ 5 यूनिट के वजह से इनके वेजेस में कितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा। अब आप समझना कैसे, अगर आपने बिलो क्या लिखवाया था मैंने आपको नंबर वन पे, बिलो स्टैंडर्ड से कम होगा तो क्या मिलता है उन्हें, नॉर्मल पीस रेट मिलने वाला है। हाँ जी कितना टाइम बेसिस, कितना घंटे काम किया इसने, एक्स ने 8 घंटा तो 8 × 20 कितना मिलने वाला है भैया एक्स को, 160 रुपये। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ पर हम टाइम बेसिस की बात करें, टाइम रेट के हिसाब से, हम पीस की बात नहीं करने वाले, किसकी बात करें हम, टाइम रेट। 8 घंटे काम करोगे 20 रुपये एक घंटे का मिलेगा, 8 घंटे का 160 रुपये मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं। 5 घंटे काम करोगे 100 रुपये मिल जाएगा, इस हिसाब से मतलब टाइम के अकॉर्डिंग बात की जा रही है। वाई वाले की बात करो, वाई वाले का बिल्कुल स्टैंडर्ड है, बिल्कुल 80 यूनिट बनना पीछे 80 बना रहा है, क्या कंडीशन बताई थी आपको मैंने, 20% बोनस, बहुत अच्छी बात है। तो देखो 160 तो मिलना ही मिलना है इसे, 8 × 20 8 घंटे काम किया 20 रुपये के साथ हिसाब से कितना हो गया 160 प्लस, अब बोनस कितना मिलने वाला है इसे 20% एक्स्ट्रा, तो 8 × 20 × 20% कितना रुपया आ जाएगा, चेक करो 160 का 20% 184 आ जाएगा। ये कैसे आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 20% कर लिया उसका मैंने, एक सेकंड, 160 का 20% करेंगे कितना आएगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया, 16 × 32 192 आना चाहिए, कोई डाउट यहाँ तक? अब सी वाले का चेक करो, सी का नहीं जेड का है, तो जेड वाले के पास 85 यूनिट्स है, कितनी यूनिट बनाना है ये 85, और ये स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, आपको मैंने क्या लिखवाया था, अगर स्टैंडर्ड से ज़्यादा होगा तो उसको क्या मिलेगा, हाई पीस रेट मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है हाई, और हाई पीस रेट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास, तो आपको क्या करना है 85 × 3.50 चेक करो, 85 × 3.50 297.5। अब ध्यान देना, अभी रुको, अब समझना क्वेश्चन अब से, इस बंदे ने 75 यूनिट बनाता है, बहुत मेहनत करता है, बस थोड़ी सी कमी रह गई, थोड़ा सा इसका हाथ कम धीरे चला मशीन पे, इसने कम थोड़ा सा ज़्यादा इसने आउटपुट नहीं दे पाया, तो सिर्फ थोड़े से वजह से कितना बियर कितना मिल रहा है 160। और इसको चेक करो, इसने केवल 10 यूनिट के ज़्यादा बना दी, कितना ज़्यादा पैसा घर लेके जा रहा है चेक कर लो। अगर हम 75 से 85 को कंपेयर करें तो सिर्फ 10 यूनिट ज़्यादा बनाता है, और 10 यूनिट बनाने की वजह से कितना पैसा घर ज़्यादा एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, करीब 137.5। अब आप देखो सिर्फ 10 यूनिट की वजह से कितना ज़्यादा पैसा प्रॉफिट मिल रहा है, कितना ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। ये कहता है गैन टास्क एंड बोनस प्लान कि भैया आप इसमें क्या, अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा आप बना दोगे ना, अपने स्टैंडर्स हल्का सा ऊपर चले गए तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, आपको बोनस बहुत ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन अगर आपने वही थोड़ा सा कम कर दिया तो उसका लॉस भी आपको ही बियर करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से देखिए, आप नॉर्मल आप समझिए,
सिर्फ 10 यूनिट की वजह से इतना ज़्यादा लॉस बियर करना अच्छी बात है? ऐसा तो नहीं है कि 10 यूनिट की वजह से इतने काम ही नहीं किया या उसका मन ही नहीं लगा, प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं कर पाया, सिर्फ 5 यूनिट स्टैंडर्ड कम क्या बनाई, इसका कितना का बियर करना पड़ रहा है? 137.5। तो ये एक तरीके से क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर लो तो बहुत ज़्यादा एफर्ट मिल, आपको बहुत ज़्यादा बोनस मिल सकता है, और थोड़ा सा कम करने पे आपको नुकसान भी हो सकता है। समझ में अच्छे से कॉपी करो से।